हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी पाठशाला। तो आज का लेक्चर जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंटिन्यूड पोर्शन है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको 10 रूल्स पढ़ाए थे, है ना, और उसके मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। आई होप आपको वो 10 रूल्स बिल्कुल ही क्लियर हो गए होंगे और आपने उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो चलिए आज मैं आपको कुछ और रूल्स डिस्कस करता हूँ, और कुछ लोगों के डाउट्स थे पिछले वीडियो के रिगार्डिंग कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सब्जेक्ट कैसे पहचानना है या सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर। तो चलिए आज सारे डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ और आपको कुछ और नए रूल्स बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए पहला रूल क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट दे हैव प्लूरल मीनिंग्स एंड ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स। क्या कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो कैसा होता है, प्लूरल, और मीनिंग प्लूरल है इसका मतलब वो कैसा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं, कैटल, जेंट्री, पीपल, पुलिस, क्लर्गी एक्सेट्रा। तो ये वो वर्ड्स हैं, देखिए आपको दिखने में लग रहा होगा सिंगुलर है लेकिन इनका मतलब क्या होता है, प्लूरल। इसलिए मैंने कहा था फ्रेंड्स कि आपको जो भी ग्रामर की बेसिक बुक मिले, जो 8th 9th 10th क्लास की होती है ना बेसिक ग्रामर की बुक, आप वो साथ साथ पढ़ते रहिए, और जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ आप एक बार उस बुक से ज़रूर पढ़िए। क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको ये वर्ड्स बताए, अभी ऐसे वर्ड्स आपको बहुत सारे मिलेंगे लेकिन मैंने आपको कुछ ही कराया, क्यों, क्योंकि मैं आपको सारे वर्ड्स नहीं करा सकता, मैंने वही वर्ड्स कराए जो एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी वर्ड्स नहीं होते। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप साथ साथ वो बुक लगाते रहोगे तो आपको बाकी वर्ड्स का भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ साथ साथ वो बुक्स की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। किसकी बात हो रही है, द कैटल की, और मैंने क्या बताया कि कैटल कैसा होता है, प्लूरल, तो उसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो देखिए वर्ब लगा हुआ है इज, क्या इज प्लूरल होता है, नहीं ना, इज कैसा होता है, सिंगुलर, इसका मतलब इज क्या है, गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, ठीक। तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। तो अगर आपको इस रूल के बारे में नहीं पता होता तो आप इसको टिक करके चले जाते, है ना, मतलब आपका एक ध्यान ही नहीं जाता इस बात पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज आप, मैंने बताया ना कि ग्रामर की बुक जरूर लगाइए। तो देखिए इसका आंसर समझ आया आपको कि इस जगह पे आर क्यों आएगा। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है, द क्लर्गी आर इन द चर्च। देखिए द क्लर्गी यूज हुआ है और द क्लर्गी कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल से हम कैसा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे, और वर्ब आपका देखिए लगा हुआ है आर, ये भी प्लूरल होता है, इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो समझाए फ्रेंड्स, तो ऐसे वर्ड्स जो सिंगुलर फॉर्म के हैं लेकिन इनका मतलब कैसा होता है, प्लूरल, वो कैसा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब ही लेंगे। तो आई होप आपको पहला रूल क्लियर हो गया होगा। सेकेंड रूल भी पहले जैसा ही है, देखिए क्या कह रहा है, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट दे हैव सिंगुलर मीनिंग्स एंड ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। अब कुछ नाउन जो है वो लगते प्लूरल हैं लेकिन उनका मतलब कैसा होता है, सिंगुलर, क्योंकि उनका मतलब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। देखिए एग्जांपल्स, ऐसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, देखिए सब आपको प्लूरल फॉर्म में दिख रहे हैं क्या, लेकिन क्या ये प्लूरल होते हैं, नहीं ना, ये तो सिंगुलर होते हैं ना। मैथमेटिक्स क्या है, एक ही सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स भी एक ही सब्जेक्ट है, ऐसे ही एथलेटिक्स, इनिंग्स, ये सब क्या है, प्लूरल फॉर्म में है लेकिन इनका मतलब क्या होता है, सिंगुलर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर, ठीक, तो वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब यूज किया है इज, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, द न्यूज आर बींग ब्रॉडकास्टेड इन द टीवी। किसकी बात हो रही है, द न्यूज की। अब बताइए न्यूज कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है ना, लेकिन वर्ब कैसा यूज किया गया है, आर, तो क्या आर आना चाहिए, नहीं ना, क्या आना चाहिए, इज, क्योंकि इज क्या होता है, सिंगुलर। तो द न्यूज इज बींग ब्रॉडकास्टेड इन द टीवी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये रूल नहीं पता होता तो क्या आपका ध्यान कभी इस बात पे जाता, नहीं ना, आपको लगता न्यूज प्लूरल है, आर लगा मतलब ठीक है, कोई और आ रहा होगा आगे ढूंढेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए हर छोटी से छोटी बात का ध्यान दीजिए। तो आई होप आपको ये दो रूल क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। थर्ड रूल भी पहले जैसा ही है, पहले दूसरे दोनों जैसा। क्या कह रहा है, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। कि कुछ नाउन जो हैं वो प्लूरल फॉर्म के ही होते हैं, और अगर प्लूरल फॉर्म के हैं तो उनके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल ही लगेगा। देखिए एग्जाम्पल, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, शॉर्ट्स, गुड्स, प्रिमाइसिस एक्सेट्रा। याद है फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक सेंटेंस कराया था जीन्स के ऊपर, जहाँ मैंने बताया था कि जीन्स प्लूरल होता है, तो वही वर्ड्स मैं आपको यहाँ से रूल के फॉर्म में करा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको और भी ऐसे वर्ड्स देखने को मिल जाएं जो प्लूरल फॉर्म के होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगता है,
ठीक है, आपको इन वर्ड्स को रियलिटी से कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, भूल जाइए रियलिटी, आपको बस रूल्स याद रखने हैं। ओके, तो सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, शॉर्ट्स, ये सब क्या है, प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वेयर इज माई ट्राउजर्स, ठीक, क्या कह रहा है, मेरे ट्राउजर्स कहाँ पे हैं। अब देखिए ट्राउजर्स अगर आप रियलिटी में देखोगे, ट्राउजर्स मतलब एक पैंट है ना, तो आप क्या कहोगे कि सिंगल है और साथ में इज यूज़ किया है, मतलब वर्ब भी सिंगुलर है, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्राउजर्स प्लूरल फॉर्म का है और इसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, आर आएगा, तो वेयर आर माई ट्राउजर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने आपको ये रूल करा दिया ताकि आपको ऐसे वर्ड्स याद रहें। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, स्पेक्टिकल्स इज नाउ ए कॉस्टली आइटम। देखिए यहाँ पे स्पेक्टिकल्स की बात की है, लेकिन वर्ब फिर उसने सिंगुलर लगाया है, मतलब एग्जामिनर आपका टेस्ट ले रहा है कि क्या आपको इन बातों का पता है कि नहीं, लेकिन आपको पता होगा, तो यहाँ आप क्या कर दोगे, गलत, और क्या कर दोगे, आर, तो स्पेक्टिकल्स आर नाउ ए कॉस्टली आइटम। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया कि ये रूल क्या था। तो पहले तीन रूल जो आपको मैंने बताए ये बहुत ही बेसिक हैं और आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चौथे रूल पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चौथा रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कन्फ्यूजन क्या होता है और उसको कैसे दूर करना है। देखिए अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है, ठीक, उसके साथ काउंटिंग यूनिट लिखा है, काउंटिंग यूनिट मतलब कोई भी मेजरमेंट का यूनिट, मीटर, लीटर, किलोमीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, और लेकिन उसके साथ में नाउन भी लगा हुआ है, ठीक, तब जो आपका काउंटिंग यूनिट होगा वो आप किस फॉर्म में यूज़ करोगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करोगे, ओके। लेकिन वहीं अगर आपका नंबर लिखा है, काउंटिंग यूनिट लिखा है, लेकिन उसके साथ नाउन नहीं लिखा, ठीक, नाउन नहीं लिखा, ऐसे नंबर है, काउंटिंग यूनिट है, तब आप काउंटिंग यूनिट को किस फॉर्म में यूज़ करोगे, प्लूरल फॉर्म में यूज़ करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब जो मैंने आपको ये स्टेटमेंट बताई है इसका एग्जाम्पल बताता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 9 meters इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए 9 क्या है आपका, नंबर, क्या है, नंबर है, मीटर, मीटर क्या है आपका, काउंटिंग यूनिट, फाइन, तो 9 है, मीटर है। अब मीटर के बाद कोई नाउन लिखा है क्या, नहीं ना, 9 meters इज अ लॉन्ग डिस्टेंस लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं लिखा हुआ, मतलब आपका सेकंड कंडीशन बनता है कि नंबर है, काउंटिंग यूनिट है, लेकिन नाउन नहीं है, तब आप क्या करोगे कि आपका जो काउंटिंग यूनिट होना चाहिए वो किस फॉर्म का होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म का। देखिए यहाँ पे लिखा है मीटर्स, मीटर्स प्लूरल फॉर्म में है ना, यस, ये प्लूरल फॉर्म में है, मतलब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। तो 9 meters इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये सेंटेंस कैसा है, सही है। वही दूसरा एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है, इट इज अ 3 years डिग्री कोर्स। देखिए 3 आपका क्या है, नंबर है, ईयर्स क्या है आपका, काउंटिंग यूनिट, लेकिन आप देखिए काउंटिंग यूनिट का क्या लिखा है, डिग्री कोर्स, इट इज अ 3 years डिग्री कोर्स, और ये क्या है, नाउन लिखा हुआ है ना, ये क्या आ गया, नाउन। अब देखिए काउंटिंग यूनिट के साथ अगर नाउन आ जाएगा तब आप क्या करोगे, काउंटिंग यूनिट को किस फॉर्म में यूज़ करोगे, सिंगुलर फॉर्म में। इधर काउंटिंग यूनिट है ईयर्स, अब देख लीजिए क्या ईयर्स सिंगुलर फॉर्म में है, नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत है, और ईयर्स की जगह पे क्या आना चाहिए, ईयर आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज अ 3 year डिग्री कोर्स। ठीक, तो कन्फ्यूजन दूर हो गया ना कि कहाँ पे प्लूरल आएगा, कहाँ सिंगुलर आएगा। ठीक है, अगर नाउन लगाए तो क्या आएगा, सिंगुलर फॉर्म आएगा, नाउन नहीं लगा तो प्लूरल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स होते हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो, आई होप आपको अब समझ में आ जाएगा कि कहाँ प्लूरल लगाना है आपको, कहाँ सिंगुलर लगाना है। ठीक है, तो ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल जो है वो कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर है। ठीक, कलेक्टिव नाउन्स मतलब ऐसे नाउन्स जो पूरे ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे टीम, जूरी, कमेटी, कंपनी, होता क्या कि इनमें बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, लेकिन ये सब लोगों का क्या है, एक ग्रुप है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन, फाइन। अब इसमें क्या ध्यान देना होता है आपको, वो देखिए कि अगर जो कलेक्टिव नाउन है वो एक ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक ही ग्रुप है। लेकिन अगर आपका जो कलेक्टिव नाउन है वो एक ग्रुप की तरह बिहेव नहीं कर रहा, मतलब आपके जो मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो बिखरे हुए हैं या उन सब में अलग है, डिफरेंस है, तब आप क्या करोगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे, क्योंकि तब वो ग्रुप एक तरह नहीं बिहेव कर रहा है ना, वो ग्रुप एक एंटिटी की तरह बिहेव नहीं कर रहा, क्योंकि एक एंटिटी की तरह बिहेव नहीं करेगा तब आप क्या करोगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज आपके पास 4 stick है, ठीक, ये 4 stick है, आपने क्या किया, इन 4 sticks को एक साथ बांध दिया, ठीक, अब ये क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। अब आप क्या कहोगे, आपके पास एक बंच है, यही कहोगे ना कि आपके पास एक बंच है, और एक बंच कैसा है, सिंगुलर।
लेकिन वही अगर आप साइज स्टिक्स अलग कर दोगे, अब आप क्या कहोगे कि आपके पास फोर स्टिक्स हैं, ठीक है, क्या है फोर स्टिक्स, मतलब ये क्या हो गई अलग अलग हो गई, तो अब ये क्या प्लूरल हो गया। फाइन, तो आपको बस यही चेक करना है कि जो आपका ग्रुप है वो एक ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है कि अलग अलग मेंबर्स की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन दिस केस। ग्रुप कौन सा है आपका, जूरी, तो जूरी कैसी है, डिवाइडेड है, मतलब सारे मेंबर्स जो है उनका ओपिनियन अलग अलग है। अभी जूरी का एक डिसीजन नहीं है, क्यों, क्योंकि एक डिसीजन कब होगा, जब सभी मेंबर्स का एक डिसीजन होगा। अभी क्या है, जूरी डिवाइडेड है, मतलब हर मेंबर का अलग अलग ओपिनियन है, तो इसका मतलब है कि आप जूरी को एक कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके मेंबर्स में क्या है, मतभेद है। तो जब भी मतभेद होगा तो आप क्या करोगे, ये प्लूरल कंसीडर करोगे, और आपका वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा लगा है, वॉज, तो क्या वॉज प्लूरल है, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर, द जूरी वर डिवाइडेड इन दिस केस। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया ना, वर क्यों आएगा, क्योंकि अभी जूरी एक नहीं है, अभी उसमें मतभेद है, मेंबर्स के बीच में अलग अलग ओपिनियन है। फाइन, तो जब भी अलग अलग ओपिनियंस होंगे तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। फाइन, ठीक है, समझ में आया। एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, क्या कह रहा है, द टीम हैव नॉट कम एज येट, कि अभी तक टीम नहीं आई। वो किसकी बात कर रहा है, टीम की, टीम मतलब सभी प्लेयर्स के मिला के एक टीम बनती है, ठीक है, तो टीम की बात कर रहा है, मतलब पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन है आपका टीम, वो एक ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर। तो देखिए यूज क्या हुआ, हैव, तो क्या हैव सिंगुलर होता है, नहीं ना, क्या होता है, हैज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज, क्योंकि यहाँ पे आपका जो नाउन है, कलेक्टिव नाउन जो है, वो एक पूरे ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। तो समझाए फ्रेंड्स, जब भी पूरे ग्रुप को हम एक नजरिए से देखेंगे तब हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, लेकिन जब ग्रुप में मतभेद होगा या हम ग्रुप को अलग अलग मेंबर्स के फॉर्म में देखेंगे तब हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसकी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट टर्न पे या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप ताकि कॉन्सेप्ट को समझें। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या कहता है। तो नेक्स्ट रूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इजी सा, क्या कह रहा है, द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस, कि अगर वन यूज कर रहे हो आप प्रोनाउन में तो आपका क्या यूज होगा, वंस ही यूज होगा। जैसे एग्जांपल, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, ठीक है, देखिए आपका प्रोनाउन क्या है, वन, उसका क्या आएगा, वंस ही आएगा, हिज हर वाकई कुछ नहीं आएगा, तो वन के साथ वंस ही आएगा, तो ये सेंटेंस कैसा है, सही है। दूसरा देखिए, वन मस्ट फिनिश हिज टास्क ऑन टाइम, देखिए आपका प्रोनाउन है वन, उसके साथ क्या यूज किया गया है, हिज, जबकि क्या यूज होना चाहिए, वंस यूज होना चाहिए, तो हिज की जगह पे क्या आ जाएगा, वंस, तो वन मस्ट फिनिश वंस टास्क ऑन टाइम। ठीक है, तो वन के साथ आपको कुछ हिज नहीं लगाना, हर नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, वन के साथ आपको सिर्फ वंस ही लगाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा रूल है, इजी सा रूल है, बस आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, और ये रूल मैन फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रूल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए क्या कह रहा है, जब भी आपका सेंटेंस मोस्ट ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, वराइटी ऑफ, अ लॉट ऑफ या मैनी ऑफ जैसे वर्ड्स आपको देखने को मिले, ठीक है, जब भी सेंटेंस में आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिले तब आपको क्या चेक करना है, नाउन, अगर आपका नाउन काउंटेबल है, मतलब आप गिन सकते हो उस नाउन को, तब आपका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है, मतलब आप उस नाउन को गिन ही नहीं सकते, तब आपका वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक, काउंटेबल मतलब ऐसा नाउन जो आपको गिन सकते हो, नंबर्स, ठीक, जैसे आप गिन सकते हो लड़के हो गए, गर्ल्स हो गई, फाइन, जिसको आप गिन सकते हो, लेकिन वही क्या मिल्क की बात करे, वर्क की बात करे, वाटर की बात करे, तो क्या वाटर को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना, तब आप क्या यूज करोगे, वो अनकाउंटेबल नाउन है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट ऑफ द वर्क हैज बीन डन, देखिए क्या यूज हो रहा है, मोस्ट ऑफ, तब आपको क्या चेक करना है, नाउन चेक करना है, नाउन क्या है, वर्क, ठीक, और वर्क कैसा नाउन होता है, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि उसको हम गिन नहीं सकते, हम ये नहीं गिन सकते ना, एक वर्क किया, दो वर्क किया, तीन वर्क किया, नहीं ना, तो वर्क कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के साथ कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर, तो वर्ब चेक कर लीजिए क्या यूज हुआ हैज, और हैज कैसा होता है, सिंगुलर, मतलब आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक, अगर आपको ये रूल नहीं पता होगा तो आप कभी इसको चेक ही नहीं करोगे कि आपको चेक क्या करना है ना, तो इसलिए मैं आपको बेसिक रूल्स करा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट, अब देखिए क्या यूज हुआ है, मोस्ट ऑफ, अब आपका नाउन क्या है, बॉयज, और बॉयज कैसे होते हैं, काउंटेबल, आप गिन सकते हो ना, एक बॉय है, दो बॉय हैं, दस लड़के हैं, बीस लड़के हैं, ठीक है, तो ये कैसा है, काउंटेबल, और देखिए अब काउंटेबल के साथ कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, तो देखिए यह क्या यूज किया गया है, वर्ब का यूज किया गया है, और वर्ब कैसा होता है, प्लूरल होता है, इसका मतलब ये भी सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिले आपको क्या चेक करना है, नाउन चेक करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सातों रूल समझ में आए होंगे और इसी के साथ अपना वीडियो एंड करता हूँ। आप इन सातों रूल की प्रैक्टिस कीजिए फाइन, और इससे पहले जो मैंने वीडियोज़ देखे आप उनको भी एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आई होप अब आपको सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे और नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको जितने भी रूल्स मैंने अभी तक कराएं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, लेकिन याद रखिए कि इंग्लिश के लिए प्लीज़ एक न्यूज़पेपर और बेसिक ग्रामर की बुक ज़रूर लगाते रहिए साथ साथ, ताकि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कम्प्लीट हो जाए, है ना। और छोटी छोटी बातों का भी मैंने बताया कि एरर बनता है और आपसे ऐसी कोई बात ना छूट जाए, इसलिए प्लीज़ ऐसा करिए। IBPS क्लर्क का पेपर है, पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, बस ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आपने ये बुक्स लगाई होंगी या मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको वो पेपर बहुत आसान लगेगा। ठीक है, आप बहुत आसानी से कर लोगे उस पेपर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।